बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके हाज़िर होते हैं, तो आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटीए की कौन सी एक नई अपडेट आई है और इसमें आपके लिए क्या खुशखबरी है, और उसके अलावा दो खुशखबरियां आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चलो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, मैंने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कामया कमेटी के इजलास में जो है पीटीए की तरफ से खुशखबरी सामने आई है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बाहर से आप एक मोबाइल लेके फ्री आ सकते थे, तो बाद में जो है उसको जो पीटीए ने जो बंद कर दिया था कुछ वजूहत की बिना पर। लेकिन अभी 10 दिन पहले ही ये कामया कमेटी का इजलास हुआ था जिसके अंदर इस बिल की मंजूरी होगी है, और उस बिल के अंदर जो है आप अब एक मोबाइल जो है वो बाहर से ला सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे और काफ़ी दोस्तों के मैसेज वगैरह भी आए थे कि क्या ये मोबाइल जो पहले हम बाहर से ला चुके हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। तो दोस्तों, मैं ये बात आपको बताता जाऊं कि ये वाला रूल जो है वो पहले जो मोबाइल आ चुके हैं उन पर लागू नहीं है। अब जो जब से ये बिल मंजूर हुआ है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जो है 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सामने तो उसकी वीडियो भी हम आपकी खिदमत में लेके हाज़र हो जाएंगे। इस कामया कमेटी इजलास में पीटीए जो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही इस टाइम एक्टिव है और कुछ ना कुछ हर रोज़ नई अपडेट्स वगैरह दे रहा है, तो ये एक बहुत ही खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो बाहर से मोबाइल लाना चाह रहे थे। सबसे पहले पीटीए ने जो अपडेट दी थी उसमें आप एक सबसे पहले एक मोबाइल ला सकते थे, 4 मोबाइल ला सकते थे बाहर से, जिसमें एक मोबाइल जो आप फ्री रजिस्टर्ड करवा सकते थे और बाकी जो जिनके आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन कुछ ऐसी वजूहत बनी कि जिसके बाद जो है वो उन्होंने बाद में ये चीज़ को ख़त्म कर दिया, आप सभी मोबाइल के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। तो कामया कमेटी का इजलास हुआ तो उसके अंदर जो है इस बिल की मंजूरी हो चुकी हुई है कि आप बाहर से एक मोबाइल जो है फ्री ला सकते हैं और उस वो बिल्कुल जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है बिल्कुल फ्री रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों का मैसेज ये भी आया था कि मोबाइल टैक्स कैलकुलेशन के में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हम अगर टैक्स हम पे करना चाहते हैं जो पहले आ चुके हैं मोबाइल, तो उनका टैक्स कैलकुलेट करें कैसे करें। तो दोस्तों, पीटीए ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप जो है वो लॉन्च कर दी है। इस वीडियो के आखिर में उस ऐप का मैं आपको मुकम्मल रिव्यू बताता हूँ कौन सी ऐप है और कहाँ से आपको मिलेगी और कैसे उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं और आप घर बैठे ही अपने मोबाइल का टैक्स जो है मालूम कर सकते हैं कि आप, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, आप बाहर से भी कोई भी मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल का टैक्स देख सकते हैं कि अगर आप इतने कीमत का मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से टैक्स आपको पड़ेंगे और कितनी मालियत का जो आप टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलो आइए, मैं आप उस ऐप की तरफ आपको लिए चलता हूँ कि जिसके अंदर पीटीए ने जो है पूरी डिटेल दी है कि आपने कौन कौन से टैक्स जो पे करने हैं और किस तरह वो टैक्स पे करने हैं। तो चल आइए, मैं अब आपको ऐप की तरफ लिए चलता हूं। तो जी हां दोस्तों, इस ऐप का नाम है मोबाइल इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी कैलकुलेटर। ये दोस्तों ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और आप इसमें अगर आप बाहर से कोई भी मोबाइल लाना चाह रहे हैं या अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मोबाइल मौजूद है कि जो आप टैक्स पे करना चाहते हैं जिसका, तो आप इस ऐप के ज़रिए बड़ी आसानी से जो है अपने मोबाइल का टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम दोबारा आपको बताता जाऊं, मोबाइल इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी कैलकुलेटर है। ये आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो ये ऐप इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये बहुत ही लंबी चौड़ी वेबसाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन रेट लिखना है और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो है अगर बाहर से आप मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको यूएस के अंदर, यूएसडी के अंदर आप कन्वर्ट कर लें, यानी कि अमेरिकन डॉलर के अंदर इसको कन्वर्ट करके आप देख लें कि उसका अगर आपको 1000 का अगर बिल, फिर 1000 डॉलर का जो है मोबाइल है तो उसका टैक्स आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो उसको जो है आपने जस्ट यहाँ पे उसकी जो वैल्यू लिखनी है, ठीक है,
1000, और यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम जो इसका कन्वर्जन रेट है 155 रुपए चल रहा है। तो आपने इसको जो है कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे इसके अगर 1 लाख का अगर बिलफर्ज यानी कि 1.5 लाख का जो मोबाइल बनेगा, 1.5 लाख के ऊपर आपको 57,000 रुपया जो है वो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर करके दिखाता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से ही मोबाइल परचेज़ करते हैं जो बाद का रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर बिलफर्ज एक मोबाइल की कीमत है अगर 25,000 रुपये, तो उस पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन रेट, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 155 रुपये का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो इस पर 10,700 बता रहा है, लेकिन ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस जो हैं इंक्लूडेड हो चुके हुए हैं, जिनके अंदर जैसे ये रेगुलर ड्यूटी है 5,000 इसकी, सेल टैक्स 1500 है, एडवांस टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, मोबाइल लेवी टैक्स है और प्रोफेशनल टैक्स है, यानी कि ये US डॉलर की जो ही फिगर उसको कन्वर्ट करता है। आप यहाँ पे बड़ी आसानी से जो है इस टैक्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल टेक्निकल मास्टर इमरान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. The truth to be, what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. The truth